नए साल के आगमन को लेकर चल रही तमाम तैयारियों के बीच पुलिस भी अब अलर्ट पर है और महासमुंद में कई पर्यटन स्थल हैं जहां पिकनिक मनाने वालों की भीड़ उमड़ने का अनुमान है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चिन्हित 8 स्थानों पर पेट्रोलिंग के साथ वर्दीधारी और बिना वर्दीधारी पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र सिरपुर है जहाँ महानदी के तट पर जंगली हाथियों की मौजूदगी है। पुलिस ने डेंजर जोन पर रेड अलर्ट बोर्ड भी लगाया है और लोगों को हाथियों के विचरण क्षेत्र में नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में सेल्फी लेने को भी मना किया गया है। हमारे इस महासमुंद जिला में प्रमुख तरह से 8 स्थान है पिकनिक स्पॉट जहां रेकी करके रखा है, कहां कहां हमें किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था लगाना है। प्रिकॉशन के तौर पे वहां एक सूचना बोर्ड टांग दिया गया है जिला प्रशासन की ओर से कि जो व्यक्ति जो तैरने जानते हैं वहीं वहां तक पहुंचे, अन्यथा ये उथला पानी में वहां स्नान करें। तो नए साल के स्वागत को लेकर लोगों में जहां उत्साह है वहीं पुलिस प्रशासन के साथ जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। रेखराज साहू जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रेखराज, क्या तैयारी नए साल के स्वागत की? जी, नए साल के आगमन के लिए जो है महासमुंद में व्यापक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। वहीं कल आज जो है 31 है, इसलिए आज बाजारों पर जो है केक सज चुका है और नए साल का स्वागत करने के लिए बेताब हो रहे हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा जो है व्यापक स्तर पर तैयारियां जो है जिले के 8 स्थानों पर किया गया है। बात करें अगर सिरपुर की तो सिरपुर जो है सबसे ज्यादा डेंजर जोन है। सिरपुर महानदी के निकट बसा हुआ जगह है जहां पर बीते 2 महीने पहले जो है एक हादसा हुआ था। नहाने के लिए जो है बच्चे, स्कूली बच्चे जो है वहां गए थे और डूब करके जो है वो एक्सपायर हो गए थे। लिहाजा उस स्थान पर जो है डेंजर जोन घोषित किया गया है और एक फ्लैग लगाया गया है ताकि जो है बच्चे या कोई भी। रेखराज, बड़ा सवाल ये है कि हर बार जिला प्रशासन तैयारियां करता है लेकिन मौज मस्ती करने पर जब युवा आते हैं तो वो तमाम नियमों और कायदों को दरकिनार कर देते हैं। जिस क्षेत्र में हाथी विचरण करते हैं उन क्षेत्रों में किस तरह से मुस्तैदी बरती जाएगी, किस तरह से रोक लगाई जाएगी? जी, तुमगांव से जो है सिरपुर मार्ग जो है हाथी विचरण क्षेत्र पर आता है और जो है नियमित रूप से जो है इस जंगल झाड़ियों पर लोग जो है पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। लिहाजा वन विभाग जो है पहले से ही सक्रिय है और गजराज वाहन और वन विभाग की पेट्रोलिंग के साथ में संयुक्त रूप से पुलिस प्रशासन की पेट्रोलिंग नियमित उस रूट पर जो है वाहन जो है भेजेंगे और लगातार जो है उस रास्ते पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि जो है जो घटनाएं हो उन पर काबू किया जाए। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि वहां पर जो है अगर लोग जाते हैं तो हाथिया जो है नियमित रूप से विचरण करते हैं उस क्षेत्र पर, लिहाजा कई बार। ठीक है, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए रेखराज। नीमच पुलिस 31 दिसंबर